What to do when there is a pain here? It can generally generate जब आप गलत तरीके से सो जाते हैं या आप एकदम से सुबह उठते हैं और फील करते हैं कि इस एरिया में जो ट्रेपीजियस मसल है उसमें यू स्टार्ट फीलिंग पेन, यू स्टार्ट फीलिंग अनइजीनेस. दैट्स द एरिया विच आई एम गोना शो यू. इफ यू फील एनी काइंड ऑफ पेन और डिस्कम्फर्ट इन वॉट यू विल डू टू रिलैक्स दैट एरिया, आप क्या करो, वो कौन सी तीन एक्सरसाइजेस या वो कौन सा मसाज आप करो जिससे आपको रिलैक्सेशन मिल जाए वो उस पेन में, जो बेसिकली आपके नेक से स्टार्ट होकर के आपके शोल्डर तक एंड करता है और आपको मूव नहीं करने देता है, राइट हो या लेफ्ट हो, अप एंड डाउन, ये सारे ही मूव्स आपके ऑब्स्टिकल हो जाते हैं. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस डॉक्टर ऑर्थो. आप इसका स्प्रे भी यूज कर सकते हैं या फिर आप किसी भी तरह का कोई भी स्प्रे जो आपके लिए इफेक्टिव है आप उसे यूज कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू जस्ट टेक 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ दिस oil in my fingers like this and I'm going to apply onto that area where I'm feeling pain. जहां पर आपको pain feel हो रहा है उस area पर आप उसे धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ apply करें slowly. After that you have to use your four fingers and massage that area from up to down. ऊपर से नीचे की तरफ आप मसाज करेंगे. आप अपने नेक से स्टार्ट करते हुए शोल्डर पर उस मसाज को एंड करेंगे एंड दैट मसाज हैज टू फॉर एटलीस्ट 10 to 20 स्ट्रोक्स में आप उस मसाज को नीचे की तरफ ले जाए. आफ्टर यू डन द मसाज यू हैव टू टेक योर पाम दीज फोर फिंगर्स ऑन टू दैट ट्रेपीजियस मसल जहां आपकी स्टार्ट हुई है वहां पर आप ये चारों फिंगर्स इस तरह से प्लेस कर लें और आपका जो दूसरा पाम है उसे आप इस तरह से नेक के ऊपर घुमा के ईयर के ऊपर प्लेस कर लें लाइक दिस. नाउ स्लोली आपको अपना लेफ्ट पाम नीचे और अपना राइट पाम जो मैंने यहाँ पर प्लेस किया है उसे नीचे की तरफ पुल करेंगे. आप अपने दोनों ही पाम्स को ऑपोजिट पुल कर रहे हैं. जिस पाम से आपने हेज को पकड़ा हुआ है उसे आप लेफ्ट की तरफ खींचे और जिस पाम से आपने अपनी मसल और अपने नेक को होल्ड किया हुआ है उसे नीचे की तरफ पुल करें लाइक दिस. नाउ स्लोली आप इसे 6 to 8 स्ट्रोक्स में पुल करेंगे. जो सेकंड मूव आप लेंगे उसमें आप अपने जहां से हमारा नेक और शोल्डर मीट हो रहे हैं वहां पर अपने पांचों फिंगर्स को इस तरह से आप रखते हैं. जहां पर भी आपका नेक और शोल्डर मीट हो रहा है इस एल्बो को आप नीचे दबा के रखें. ये एल्बो जो हमारी रेज है इसे हम नीचे इस तरह से दबा के रखेंगे और धीरे धीरे अपने नेक को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें. नाउ स्लोली अपने नेक को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें. आई सजेस्ट यू क्लोज योर आईज व्हाइल डूइंग इट. इट विल रिलैक्स एंड हील द पेन which you are feeling on that area. आप ये भी 10 से 20 strokes जरूर करें. Now for the third move, what we have to try, we have to take our both the hands onto that neck and shoulder joint, जहां पर आपने पहले रखा था. आप नीचे देखेंगे इस तरह से अपने दोनों elbows को नीचे रखिए, अपने shoulders को नीचे रखिए और धीरे धीरे अपने neck को lift करें. Be slow. आप एक सांस लेते हुए ऊपर जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे आएं. You inhale while taking your head to up and exhale while moving down. Do perform it for minimum 30 to 40 seconds. Be slow and do in a controlled manner. You have to perform all these three moves for minimum twice a day before to bed and after you get up from your bed. So just take care of your muscle and neck.